नमस्कार, जनप्रभात की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। सासाराम के सबसे बड़े कॉलेज एसपी जैन कॉलेज में बीसीए संकाय के छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर दी, जिससे पठन पाठन के अलावा विभिन्न कार्य ठप हो गए। छात्रों ने मुख्य गेट को बंद कर धरना भी शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि सत्र 2018-21 के अंतर्गत कई छात्रों का कामर्स संकाय में नामांकन लिया गया। वहीं इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुचरण सिंह का कहना है कि मामला विश्वविद्यालय से जुड़ा है, इसीलिए कॉलेज प्रशासन इस संबंध में कोई भी आश्वासन देने में सक्षम नहीं है। इसलिए आज धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे बीसीए डिपार्टमेंट सत्र 18-21 सत्र को कॉमर्स में एडमिशन बीसीए में लिया गया है, मगर हमारी रजिस्ट्रेशन रुक गई है। कॉलेज प्रशासन बोल रहा है तुम लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम लोग कॉमर्स हो। हम लोग को डांट कर पीट कर यहाँ से कॉलेज प्रशासन द्वारा भगाया जा रहा है। इसी द्वारा विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन आज एसपी जैन कॉलेज में बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मांग, हम लोगों का मांग ये है कि हमारे बीसीए डिपार्टमेंट का, कि हम लोग कॉमर्स में एडमिशन कराए थे बीसीए डिपार्टमेंट में, हम लोग कॉमर्स सेमेस्टर से हैं, लेकिन हम लोग का इस समय रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा, केवल साइंस वाले का लिया जा रहा। जब अगर कॉमर्स वाले का ही लेना था तो हम लोग का एडमिशन लिया ही क्यों गया? साइंस वाले का जब नहीं लेना था और कॉमर्स वाले का नहीं लेना था तो क्यों हम लोग का एडमिशन? कॉमर्स के छात्र हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, मैंने लास्ट ईयर भी एडमिशन हुआ था, और जिस पर रोक लगा दिया गया है कि कॉमर्स के छात्र इसमें नहीं भरे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन कुलपति महोदय ने लिखकर राजभवन से दिशा निर्देश मांगा है, जैसा दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार इन लोगों का निर्णय। दाहोद में मैन वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया। संघ ने ठेकेदारी प्रथा और रेलवे के निजीकरण का जमकर विरोध किया। पश्चिम रेलवे के 6 मंडलों पर विरोध दिवस मनाया जा रहा है। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर यूनियन ने विरोध दर्ज कराया। भारत सरकार का 2019 में दोबारा से राजद्रोह करने के बाद रेलवे के लिए उन्होंने जो सबसे पहले जो काम किया है कि 100 दिन के अंदर अंदर एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि रेलवे में कहां कहां हमको आउटसोर्स कर देना है। इसमें सबसे पहले उन्होंने टारगेट ले लिया है कि जो भी जितनी प्रोडक्शन यूनिट हैं, आज इंडियन रेलवे में 7 प्रोडक्शन यूनिट हैं, उनको हमको कॉर्पोरेटाइजेशन करना है, उनको निगमना देना है और रेलवे से हम अधिकार सब लेना है। उस परिप्रेक्ष्य में आज DLW बनारस, रायबरेली और सभी जगह पूरा परिवार के साथ सभी रेल कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए हैं। दूसरा इशू उन्होंने लिया है कि ट्रेन को भी निजी हाथों में देना है। राजधानी जैसी ट्रेन जो प्रॉफिट में दे रहे हैं उनको भी वो निजी हाथों में दे रहे हैं। तीसरा इशू उन्होंने जून में एक ऑर्डर जारी किया है कि वेस्टर्न हर जोन में, वेस्टर्न रेलवे बोलो कोई भी जोन बोलो, हर मंडल में कम से कम एक रेलवे कॉलोनी को हमको रेलवे वालों से खाली कराना है और उसको कार्बोनाइजेशन करना है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। सरकार की मंशा बिल्कुल रेलवे को बंद करना है, रेलवे को निजी हाथ में सौंपना है। इसके साथ साथ रेलवे में से वो चाहते हैं कि रेलवे में यूनियन बंद हो जाए, ये उनकी एक मंशा है। आज का आपका क्या कार्यक्रम? हमारा एक ये कार्यक्रम NFIR के आह्वान पर 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में पूरे रेल कर्मचारियों को, पूरे नागरिकों को ये बताना है कि भारत सरकार क्या कर रही है। इसी इन्हीं के बारे में हमने 10 तारीख को उज्जैन में प्रदर्शन किया, 11 तारीख को चित्तौड़ और इंदौर में किया, 12 तारीख को रतलाम डीजल सेट और DRM ऑफिस में किया, 13 तारीख को वर्कशॉप गेट में ये आंदोलन हमने किया है। हमारा आज का तारीख में कोई रेलवे को नुकसान करने का नहीं, लेकिन हमको रेल कर्मचारियों को बताना होगा कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमारे सभी रेल कर्मचारियों को रेल परिवार के साथ सड़क पर आना पड़ेगा, तैयारी आप रखें, ये एक हमारी एक लक्ष्य है। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के बेर्राव में आवारा जानवरों से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। आलम यह है कि सुबह हो या शाम आवारा जानवर सड़कों पर लोगों के घरों के सामने झुंड बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी खासी परेशानी होती है। फसलों को आवारा जानवर तबाह कर रहे हैं। सरकार गौशाला और पशु बाड़ा बनाने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सब कोई बांधता नहीं है, सब घर बार सब छोड़ दिया है। घर में सब अपन अपने जानवर बांधते नहीं, कोई अन्ना किए सब यही रोड पे हैं। रोड पे रहते हैं, पशु बाड़ा नहीं बनवाया गया क्या?
पहले बनवाया फिर छोड़ दिया। इस तरह में तो दिक्कतें होती होंगी आने जाने वालों को। हाँ, आने जाने वाले रात भर घूमते हैं आदमी, यहाँ पर खेत में बैठते हैं। अच्छा, खेतों में भी नुकसान पड़ता होगा। नुकसान होता है बहुत, हमें पाँव नहीं बांधता। अच्छा, और छोड़ जाते हैं रात में, परेशान है। अच्छा, तो इस तरह में तो दिक्कत होती होगी। अब क्या दिक्कत तो है ही, दादी रात में क्या चिड़वा खा चाहे जो पाए। तो क्या यहाँ पर पशुपाड़ा नहीं बना क्या? हाँ, ये नहीं बना। नहीं बना, नहीं बना। अन्य पशुओं जो है शाम के वक्त ये सब छुट्टा छोड़ देते हैं, जानवर घर में नहीं बांधते, जो जिसमें हर दरवाजों पे आकर के टिक जाते हैं छाया पे, जो सब पूरा कीचड़ फैला देते हैं हर दरवाजों पे आके। इस तरह में तो परेशानियाँ होती होंगी। इस तरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब सुबह दरवाजा खोलते हैं हम लोग, जिसमें बहुत छीछा ज़्यादा फैला देते हैं, बहुत इस वजह से परेशानियाँ झेल रहे हैं हम लोग। मुन्नीलाल यादव है। अच्छा, ये अन्ना पशु से क्या परेशानी? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी इसलिए है कि न इसमें फसल बचती है और घरों में भी नुकसान, खेतों में नुकसान, गल्ला अनाज का नुकसान। तो क्या सरकार इन अन्ना पशुओं के लिए कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही सरकार। किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है साहब। धान की बेड़ बो दी गई है, उसमें आदमी सब परेशान है, हम लोग सब पड़े रहते हैं वहीं। कानपुर देहात की सिकंदरा कोतवाली क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है। गैंग के सरगना की तलाश जारी है। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और लूटे गए 1,37,000 रुपये बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात अनुराग वत्स ने बताया कि यह एक बड़ा गैंग था। यह गैंग आसपास के जिलों में भी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। गैंग के सदस्य लग्जरी लाइफ जीने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पहले एक लूट की घटना थाना सिकंदरा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि एक कलेक्शन एजेंट से लगभग 1,37,000 रुपये छीन लिए गए थे। इस घटना के तत्काल बाद सभी ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, सघनता से चेकिंग की गई और उसका परिणाम ये निकला कि घटना के महज कुछ घंटों बाद इन लोगों को वाइटल क्लूज में मिल गए थे। और तब से लगातार हमारे SHO, हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब और CO साहब के कुछ निर्देशन में लगातार SOG टीम के साथ में कॉम्बिंग किए हुए थे और इसमें उनका लगातार उनको ढूंढने का प्रयास चल रहा था, जिसमें कि पुलिस ने सफलता हासिल की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लूट की घटना में जितने पैसे गए थे लगभग 1,00,000 रुपये हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही हमने इसमें गैंग के 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें कि 2 लोग वो भी अरेस्ट हुए हैं जो उस दिन मोटरसाइकिल पे घटना को लूट करने में शामिल थे। इसके अलावा इस गैंग की जो भी प्लानिंग करने वाले लोग थे उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2 लग्जरी गाड़ियां हमने बरामद की हैं, जिसमें कि एक TUV और एक्सेंट है, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। तो ओवरऑल ये कम समय में एक अच्छा गुड़वा है कानपुर देहात पुलिस का। इसके लिए पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी इस पूरे गैंग को पूरी तरीके से जेल में भेज के 14 की गैंग सेलेक्ट में कार्रवाई की जाए। सावन माह को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। शर्मा ने थाना सिविल लाइन के शिव मंदिर में पुजारी और मंदिर कमेटी से वार्ता की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ियों के आने जाने वाले रास्तों का भ्रमण भी किया। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV कैमरे, बैरिकेटिंग, ड्यूटी संबंधी आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही रामपुर रेलवे स्टेशन पर कांवड़ यात्रा को लेकर GRP, सिविल पुलिस और RPF ने ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की जाँच की। चेकिंग के दौरान स्टेशन पर बैठे यात्रियों से पूछताछ की गई। आगामी जो कांवड़ मेला चलने वाला है तो उसके दृष्टिगत चेकिंग अभियान पहले से ही जो है हम संदिग्ध वस्तु चेकिंग कर रहे हैं और ये बराबर चलती रहेगी हमारी, ताकि ये कांवड़ मेला है सुबह संपन्न हो सके। तो इसके मद्देनज़र RPF, सिविल पुलिस अपनी LIU वगैरह डॉग स्क्वाड के साथ में ये भिन्न भिन्न स्थानों पर रेलवे स्टेशन पर बराबर हम जो है सघन तरह से चेकिंग करते रहे। कोई संदिग्ध मिला? आज की चेकिंग में कोई अभी संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु इस प्रकार की हमें नहीं मिली। यात्रियों को क्या संदेश दिया? यात्री के संदेश यही है कि वो किसी कोई लावारिस वस्तु अगर दिखाई दे, वो रेलवे पुलिस, GRP या रेलवे अधिकारी को सूचना दे कर्मचारियों को, और किसी भी कोई वस्तु लावारिस वस्तु अगर मिला वो बताएं। कोई किसी का दिया हुआ खाद्य पदार्थ ना खाएं अनजान व्यक्ति से और पायदान पर छत पर चढ़कर यात्रा ना करें। खास खबर में बस इतना ही, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।